कैंट थाना क्षेत्र के जेएस हॉस्पिटल के सामने शनिवार की सुबह मनमड़ बदमाशों ने हॉस्पिटल के बाहर हवाई फायरिंग कर सनसनी मचा दी थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मोटर से फरार हो गए। तारामंडल के विवेकपुरम कॉलोनी निवासी आदर्श सिंह का डीआईजी बंगला के पास जेएस हॉस्पिटल है। कैंट थाना पुलिस को दी जान तहरीर में आरोप लगाते हुए लिखा कि शनिवार की सुबह उनके जानने वाले सूरज सिंह, राहुल शर्मा, विनय यादव व विशाल सिंह अस्पताल के बाहर पहुंचे। आते ही इन लोगों ने असलहा निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आदर्श सिंह अपनी तहरीर में लिखा है कि इससे पहले आरोपियों ने शुक्रवार की सुबह बुद्ध विहार पार्ट बी में रहने वाले उनके मित्र शिवम अग्रहरी के घर पहुंचकर असलहा दिखाकर धमकाया था। उसके बाद उनके हॉस्पिटल पहुंचकर कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी थी। इस पूरे प्रकरण के संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 30 जुलाई की सुबह 4:15 पर कैंट थाना क्षेत्र में जेएस हॉस्पिटल के पास दो गाड़ियों में स्विफ्ट डिजायर व किया सेल्टॉस में सवार चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 4 राउंड फायर किया गया और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा जेएस हॉस्पिटल के संचालक से प्राप्त तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। एसपी सिटी ने बताया कि घटना में शामिल दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। जल्द ही बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर के थाना कैंट में जेएस हॉस्पिटल के पास आज सुबह 4:15 पे दो गाड़ियां जिसमें स्विफ्ट डिजायर एवं किया सेल्टोस में सवार चार लोगों द्वारा 4 राउंड फायर किए गए। इसके बाद में वो लोग वहां से फरार हो गए। जेएस हॉस्पिटल के संचालक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हत्या के 307 एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद में पुलिस द्वारा धरपकड़ की गई जिसमें स्विफ्ट वीडीआई जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी एवं दो अभियुक्त उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं बाकी दो अभियुक्तों एवं किया सेल्टोस गाड़ी की तलाश की जा रही है। जल्दी पुलिस इस घटना का सफल अनावरण करेगी।